विक्रमादित्य जी ने कल उससे बात। हिमाचल प्रदेश में फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट मीटिंग से पहले ही विधानसभा पहुंच गए, यानी आज बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जबकि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित 5 मंत्री कैबिनेट कक्ष तक पहुंच चुके थे। उसी दौरान उन्हें इस बात का पता चला कि कैबिनेट मीटिंग आज नहीं होगी। उसके तत्काल बाद सभी को विधानसभा बुला लिया गया। बताया जा रहा है कि वहां 6 अयोग्य करार दिए गए विधायकों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह के बागियों से मिलने के बाद हलचल तेज हो गई है। अब कैबिनेट भी स्थगित कर दी गई है। देखें ये रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक होने की आप लोग इंतजार कर रहे थे, क्या हुआ सर? मुख्यमंत्री जी की कुछ व्यस्तता की वजह से ये कल सुबह 11 बजे के लिए रखी है, रीशेड्यूल किया है। तो क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे थे तो हमने भी सब ने यहीं से कहा कि फ़ोन पे बात हुई आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी के साथ, कि बेहतर रहेगा कि कल करें फिर ना, लेट करने के बजाय कल सुबह करें। सर ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा बता पाएंगे कि अचानक से मुख्यमंत्री जो है विधानसभा की तरफ चले गए? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। विक्रमादित्य जी ने कल उससे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई।